अस्सलाम वालेकुम। हुण तुहानू दसने आ इन्हां स्प्रेन दे बारे, नवीआं स्प्रेआं आईआं ने, तीन स्प्रेआं जो कि चिचड़ी, तेला, सफेद मक्खी, सबज मक्खी नूं जड़ों खत्म कर दिंदियां ने, एक पाह दे उत्ते असर नहीं करदियां, क्योंकि ये सफेद मक्खी, तेला, चिचड़ी दे बारे ये जिहड़े उन्हां नूं खत्म कर दिंदियां ने। यह नाम जे आ तीन स्प्रेआं ने, यह वेख लो, एक, दो, ए तीन, ए देख लो तीन स्प्रेमा ने। और तो स्प्रे भी हो अच्छी तरह बूटे धुपन डे ने, चंगी तरह बूटे धुपन डे ने, ए वेख लो चंगी तरह बूटे धुपन डे ने, उधरों स्प्रे की जा रही है। वेख लो हम सारे बूटे धुपे पे ने, ए वेख लो मेरे कपड़िया भी लगन डी स्प्रे, सारे बूटे धुपे ने। यह हम जिथे जिथे चिचड़ी, तेला, सफेद मक्खी, सबज मक्खी होएगी वो जड़ों खत्म होकर थले डिग जाएगी, तो जो शाम पेगी शाम ताई तो इन्हें उत्ते चमड़िया रहना, सुबह आन के वेखना इन्हें थले पिया होना मरिया सारी चीज़ा ने। हूँ वेख लो किड़ा किड़ा नरमा हो गया, साढ़े छा दे जिदा कित कि नरमा हो गया, तो हूँ स्प्रे वेख लो हम तो टींडे दिखाने इधर कैमरा, ए टींडे हजे फुल बूटी लगन डी है, ए देसी बूटे किड़े किड़े ने, इनू वो आया कोई नहीं सी, पर गोडी की सी ते बारिश दे नाल फिर का हो गया, तो कोई नहीं ये का भी सुख सुक जाना है, क्योंकि जदू पानी आ पानी लाई दा ये घा जिहड़ा वो लम्मा पै जांदा, तो चार पाँच दिन उठदा कोई नहीं, क्योंकि लम्मा पै जांदा तो पानी लगा हुंदा, गिला हुंदा, वो लम्मा पै जांदा खेल दे विच इस रुक नूं, ते पानी लंघ लंघ के तो वो थले ही ना मिट्टी दे विच खुब जांदा घा, तो फिर वो थले ही रहिंदा, तो कपाह फिर तां चढ़ जांदी है, तां फिर एक बारी गोड्डी जरूरी हुंदी है। ऐ वेख लो कई बूटियां ने, बूटे दे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सत, अठ टाणिया ने, अठ टाणिया ने इस बूटे दियाँ, इतों थोड़ी जगह विर ली सी, ये बूटे दियाँ अठ टाणिया हो गई, अठ टाणिया, तो फुल बूटी ना भरिया पिया, इधर आ हूँ इधर वेख लो, इतों एक कदे कदे खट्टा पीला हो जाता, उसकी वजह पता की है, खट्टा भी पीला तां हुंदा है अगर आप किते खाद ज़्यादा सुट दें तो किते घट, हुण जिवें खेल खेल दे विच बुक बुक सुटी जाइए, तीन तीन बुका सुटी जाइए इस रुक नूं, वो किते ज़्यादा हो जाती किते थोड़ी हो जाती, क्योंकि पानी जदों लगता, पानी जिहड़ा लगता है थोड़ा लगता, क्योंकि रेज तुसीं कई बार मैं देखा कि रेज पहुँचाते ने बूटियां तां रेज, पर रेज नहीं पहुँचाना चाहिए, बूटे के पैरों के कोल पानी जाना चाहिए, क्योंकि खाद जो पाई दी उदू स्प्रे मूँह च पै गई, तो फिर इवें करना चाहिए कि पानी बूटे मोढ़ा ताई जाना चाहिए, ताकि बूटा फिर हिल सके, एक जगह तो उठ सके, नहीं तो वही फिर रेज के नाल इन्हें की हिलना होंगे। इन स्प्रेव भी वहाना वा जड़िया घोलियां भी ने, तो वह स्प्रेव वहा दिना कि घोल के रखिया ने, आज ए नवी स्प्रे घोली पई है, ए तीन स्प्रेवा घोलिया ने, ए तीन स्प्रेवा घोलिया ने, ए नवी स्प्रे वे, ए डेढ़ मग्गा एक टैंकी च पाया जाता है, ताकि चंगी हैवी बड़ी भैड़ी स्प्रे वे।